बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में दो नुस्खे लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो नाज़रीन, नुस्खे बताने से पहले हम आपसे माज़त करते हैं कि दो दिन या तीन दिन मेरे ख्याल से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो नाज़रीन, हम आपसे माज़त करते हैं कि कुछ तबीयत भी ख़राब थी बुज़ुर्गों की और उनको कुछ काम भी था, इसलिए हम वीडियो अपलोड कर नहीं पाए। तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई बात आपने पूछनी हो तो कमेंट करें। तो दो नुस्खे हैं, जिसमें से पहला नुस्खा हमारा है चांदी बनाने का तरीका, और जो दूसरा नुस्खा है वो है फटकड़ी कायम और संड। ये फटकड़ी कायम और संड जो हम बता रहे हैं, ये एक भाई की बल्कि दो तीन भाइयों की फरमाइश थी कि हमें फटकड़ी संड बताएं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम नुकरा बताएंगे चांदी बनाने का तरीका। कली दो तोला, चांदी दो तोला, अब इन दोनों को पिघलाएं। पिघलाने के बाद छः माशा हड़ताल सफ़ेद पीस कर इसकी चुटकियां लगाएं ताकि कली और चांदी मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद इसको आग से उतार लें। अब इसको कूट लें और एक तोला इसमें से लेकर पांच तोले तांबे पर तरा करें। अब और दो तोला चांदी लें। पहले हमने दो तोला चांदी डाली है, वो तो इसमें डाल ली, लेकिन हमने और दो तोला चांदी लेनी है जिस तांबे पर आपने चांदी और कली कूट कर डाली है, इसमें ये चांदी मिक्स करें और लंबा चरख दें। लंबा चरख देने के बाद इसको आग से उतार लें। अब इसको चेक करें, ये आपकी खालिस आठ तोला चांदी तैयार है। तो नाज़रीन, ये था चांदी बनाने का तरीका। तो नाज़रीन, जो अगला हमारा नुस्खा है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भाई की फरमाइश थी फटकड़ी कायम और संड। तो एक पाव फटकड़ी लें, इसको पीस लें। अब उसके बाद आपने पेंडा ऑक्साइड फास्फोरस, जिसकी हम पिक्चर भी वीडियो में दे देंगे, वो आप देख सकते हैं। एक तोला लेकर पेंडा ऑक्साइड फास्फोरस एक तोला लेकर फटकड़ी में मिक्स करें। जब मिक्स हो जाए तो किसी कुज्जी में डालकर इसको गिल हिकमत करें और इसको खुश करें। इसको 8 या 10 किलो की आग दें, सर्द होने से निकाल लें। यह फटकड़ी आपकी कायम और संड होगी और इसका वज़न कम नहीं होगा। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।